नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ। आप देख रहे हैं इस वक्त हो गया है खबरों का। मुंबई और आसपास में 2000 से ज्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाने के बाद बीएमसी की नींद खुल चुकी है। शनिवार को देश की सबसे अमीर महानगरपालिका ने वैक्सीनेशन को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत अब सोसाइटियों में वैक्सीनेशन करने से पहले प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर को वार्ड के मेडिकल अफसरों को जानकारी देना अनिवार्य किया गया है। कांदिवली के हीरानंदानी हेरिटेज सोसाइटी के फर्जी वैक्सीनेशन की जानकारी मिलने के बाद मुंबई के खार, बोरीवली, वर्सोवा, परेल और पड़ोसी जिले ठाणे में भी फर्जी टीका लगाने की घटनाएं सामने आई है। सरकार द्वारा बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया गया है कि 2054 को फर्जी टीके की डोज अब तक लग चुकी है। बीएमसी के मुताबिक जिन जगहों पर फर्जी वैक्सीनेशन हुआ है वहां सोसाइटीज ने पहले से जारी गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया था। निजी वैक्सीनेशन केंद्रों के माध्यम से टीका अभियान अपने सोसाइटी परिसरों में करने से पहले इसकी सूचना बोर्ड स्तर पर बीएमसी के मेडिकल अफसर को देना अब अनिवार्य किया गया है। यही नियम वैक्सीनेशन सेंटर के लिए भी लागू होंगे। गुमारे के मुताबिक सभी टीकाकरण केंद्रों को विशेष पंजीकृत नंबर दिए गए हैं। वैक्सीनेशन की अग्रिम सूचना से यह फायदा होगा कि पंजीकृत नंबर की पड़ताल मेडिकल अफसर कर सकेंगे। मुंबई की तर्ज पर ठाणे में भी फर्जी वैक्सीनेशन का मामला सामने आया है। नौपाड़ा पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया है। जिन 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है मुंबई पुलिस द्वारा पकड़े गए गिरोह से जुड़े हुए हैं। इनमें महेंद्र सिंह, श्रीकांत माने, संजय गुप्ता, सीमा आहूजा और करीम शामिल है। ठाणे की नितिन कंपनी के करीब श्रीजी आर्केड इमारत की दूसरी मंजिल पर स्थित renuboy.com कार्यालय में 26 मई को वैक्सीनेशन का आयोजन किया गया था और कार्यालय में कार्यरत स्टाफ और उनके परिवार के सदस्यों को टीका लगाया गया था। कोविशील्ड वैक्सीनेशन की आग में सभी को फर्जी टीका लगाए जाने का मामला लगातार सामने आ रहा है और यही वजह है कि बीएमसी इस फर्जी वाले वैक्सीनेशन पर शिकंजा कसने के लिए ऐसा कदम उठाने जा रही है। क्योंकि महाराष्ट्र खास खबरों के बने रहिए चैनल के साथ।